यार मेरे को उम्मीद है बुलेट वाले तुम कर लो पहले, नहीं तुम कर लो। जब एक यूट्यूबर के पास कंटेंट नहीं होता तो उसके चैनल पे Q&A होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि वो सारा अप्रूवल पे गया हुआ है, तो धीरे धीरे करके आएगा। ऑल्टरनेट डेज वाले मामला तो हमें चलाना ही है। वैसे हमारा जो भी Q&A हम वो इंस्टाग्राम पे करते हैं, क्योंकि वो ईजी रहता है, वहीं पर स्टोरी रिपोस्ट करके सारे सवालों को जवाब दे दिए जाते हैं। इस बार यूट्यूब पे कॉन्टेंट नहीं था यार आज के लिए, तो बनाना पड़ा, समझो ना। तो इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। यार ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है और ये वीडियो जो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, प्रॉब्लम सारी है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अभी जैसे अभी टाइम मिल रहा तो ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे को अगला टाइम मिलेगा तो मेरे को आवे 2.0 के लिए एक और वीडियो बनानी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ऐसे करते हुए टाइम नहीं मिल पा रहा, बट बहुत जल्दी हम बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। टॉप 4 ऑप्शन, सबसे पहले ZX10R तो हो ही गई, 1000RR हो गई, उसके बाद Z1000 हो गई, Ninja 1000 हो गई, और उसके बाद सोने पे सुहागा CBR 1000। यार जिसमें वो भाई का फ़ोन नहीं उड़ा था उसी में मैंने बताया था कि मैंने जब जैकेट ली थी तब 3-4 हज़ार में नकली अल्पाइन स्टार आती थी। लेकिन अगर आप अभी जाओ करोड़बाग और चौपड़ा ऑटोमोबाइल से चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। एग्जॉर या फिर TVS की जैकेट 2-3 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है यार, तो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ गए, अब पहले नहीं थे। देखो मैं उस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं रुका हूँ, मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। ऐसे एक रॉ व्लॉग आएगा, उसमें जो हमारी ये जो राइड हुई थी, लास्ट राइड जो हुई थी, उसका रॉ व्लॉग आएगा। उसके बाद उस पर जो है ये हमने जो डिस्कस करना है कितने पैसे खर्च होते एक राइड पे, उसका आएगा। कि एक इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर एक वीडियो आएगा, तो या लाइन अप में उसकी वीडियो, बट शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, और जो शूट हो चुका है वो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा। यार ये बात मैंने पहले भी बताई है कि मतलब मैं जब जब गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास खुद गाड़ी थी, मैं जब जब गाड़ी चलाता था मेरे को नींद आती थी। मेरे को बाइक पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, बाइक पे अगर नींद आ रही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक मॉन्स्टर पी के आई एम रेडी टू गो। भाई जो लाइफ में थ्रिल दिखते, यार चिराग था जिसने बोला था मेरे को कि बाइक पे ना 360 व्यू मिलता ना तो उसके ज़्यादा मज़े हैं। आप गाड़ी में हमेशा सीधा चलते हो, रोड पे ध्यान रखते हो, लेकिन बाइक पे आप इधर उधर देख सकते हो, तो उस पे ज़्यादा थ्रिल आता है, जैसे हमने जो है कल डिस्कस करा था। देखो जब आप DSLR लेने जाओगे तो मेनली उसकी जो शटर चेक करना है कि उसको उससे कितनी फ़ोटो क्लिक करी गई है और क्या क्या उसका मामला है। जो है सेंसर जो है उसके अंदर का सेंसर होता है, मतलब इस कैमरे का जो लेंस है, अंदर का जो सेंसर है वहाँ पे स्क्रैचेस तो नहीं है। लेंस के स्क्रैचेस फिर भी जो है एक पल को रिमूव हो सकते हैं, मतलब नया लेंस ले सकते हो बॉडी अच्छी है तो। लेकिन जो बॉडी के लेंस पे जो इनर लेंस है उसमें अगर कुछ हो गया वो भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। GoPro आप ले सकते हो, GoPro अगर कट हुका वुका नहीं है तो बहुत ही अच्छा चलेगा। मेरा अभी भी चल रहा है बहुत टाइम से, मतलब बहुत हुका वुका है तब भी अभी भी चल रहा है। बाकी ड्रोन एक ऐसा होना चाहिए कि जो क्रैश नहीं हुआ हुआ, अगर आपका ड्रोन आपको क्रैश मिल रहा है तो उसके इंटरनल काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेक श्योर अगर जब भी आप ड्रोन लेने जाओ तो उसको हमेशा फ्लाई करके देखो कि वो हिल तो नहीं रहा ज़्यादा, आप लंबे टाइम तक रखने वाले हो अगर आप कितनी महंगी चीज़ ले रहे हो तो। ये वाला क्वेश्चन का आंसर देने में मेरे को काफ़ी अच्छा फील होगा, क्योंकि आज ही के दिन मैंने अपना सबसे पहला एक्शन कैम लिया था, प्रोकस। आज ही का था, मतलब इसी हफ्ते में लिया था, और 2017 में मैंने जो अपनी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करी। पॉइंट ये था कि मैंने अपना पहला एक्शन कैम कैसे लिया, मैंने पहला अपना एक्शन कैम जो मेरे टेक्निकल मास्टर की सेकेंड पेमेंट आई थी मैंने उससे लिया था, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं था, प्रोकस था। और GoPro कब लिया था, जब मैं था मुंबई राइड पे तब मैंने अपना पहला GoPro लिया था वहीं पे, क्योंकि जो मेरा SD कैम है वो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा था, और वो भी मैंने अपनी जो है फोर्थ या फिफ्थ पेमेंट से लिया था, क्या बोलते हैं YouTube की अर्निंग से। तो हाँ कैमराज हमेशा ज़्यादातर मैंने अपनी अर्निंग से और फ़ोन अपनी अर्निंग से लिए हैं, हेल्प ली है मम्मी पापा की, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन पॉइंट सारा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें और स्पेशली राइड ये मेरे ऊपर हो, बेस्ट रहता है फिर लाइफ। ओके सो गुड मॉर्निंग, आजकल क्या है जिम बहुत ज़्यादा वाला घातक चल रहा है ना, तो जल्दी सो जाता हूँ और जल्दी उठ जाता हूँ, अच्छी होती है यार मॉर्निंग उठना चाहिए हमें, सुबह अच्छी होती है काफ़ी। तो लेट्स कंटिन्यू।
यार बिजनेस को लेकर ना मेरा मन बहुत चंचल सा है। राघव ये भी कर लेते हैं, राघव ये भी कर लेते हैं। कुछ खोलेंगे तो हम मल्टी खोलेंगे, अपन का सिंगल से काम नहीं चलना क्योंकि अपना मन सिंगल से भरना नहीं। खोले मतलब जिम जाते तो ऐसा लगता है यार जिम खोल लेते हैं, 7-8 लाख का तो इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद किसी कैमरा शॉप, ओ हो यहाँ पे तो बड़ा पैसा है। उसके बाद कोई राइडिंग शॉप, ओ हो हो तुम तो राइडर हो, राइडिंग गियर्स बेच लो। ऐसा दिमाग वो चलता है मेरा। अब तो हर एक चीज़ में बिजनेस ढूंढता हूँ कि मेरे को क्या खोलना चाहिए। देखेंगे, और एक कैफेटेरिया खोलना तो अपना ड्रीम है, अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी वाला, मस्त वाला, चुम्मा वाला, कि तब लोग आए ना बोले एम्बियंस ऐसा होना चाहिए। या मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों में से इतने लोग कार के बारे में पूछेंगे और स्पेशली थार के बारे में पूछेंगे, जो जिस चीज़ की मेरे को नीड पड़ती है। 2018 में हमें बड़ी गाड़ी की नीड थी, वो मैंने सबसे पहले पूरी करी, मैं स्विफ्ट लेके आया। अब ऐसा सीन है मैं गाड़ी चलाता नहीं, आएगी भी तो मैं कल को ले आऊँ। मेरा बहुत मन है, मेरे को होंडा सिटी इतनी सारी मिल रही है, मेरे को जो है थार पुरानी इतनी सारी मिल रही है। वैसे तो नया का मज़ा है, लेकिन मेरे को बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, मेरे को ऑफर आते रहते हैं। लेकिन और पता है, एक मिनट के लिए मैं इस वीक में कन्विंस भी हो गया था कि राघव कार इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट फिर आया नहीं, फकर यू आर अ बाइकर, सो गो फॉर अ बाइक एंड बैंग, सबकी एस बैंग कर दे, ऐसा सीन था मेरा। तो मैंने फाइनली अपने दिल को अच्छे से रोका, नहीं गाड़ी नहीं लेनी, लेंगे तो हम बाइक ही लेंगे, क्योंकि इट्स माई लाइफ, माई फकिंग रूल। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं जल्दी जल्दी दे देता हूँ। आंटी की तबीयत कैसी है? बहुत ही अच्छी है। बिलिंग कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा प्यारा। बस वेट करो फोटोज और उसकी क्या बोलते हैं व्लॉग्स, बहुत ही फाड़ होने वाले। गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाओ? नहीं है, कैसे दिखाऊँ? मतलब लड़कियाँ हैं मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि मतलब लड़कियाँ नहीं हैं। कोई परमानेंट हो जो कोई फ्यूचर को देखती हो तभी दिखाओ ना। मैं ऐसी उनकी शक्ल दिखा दूँ और उसके बाद कुछ चले ना, तो वो हम पर टेम्परेरी काम तो करते नहीं। सब जने एक ही क्वेश्चन पूछ रहे, शर्म नहीं आ रही? जले पे नमक छिड़क रहे? नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। थोड़ी सी तो कर लो, फिर ज्ञान देना पड़ेगा कि बाइक जो है थोड़े टाइम में आ जाएगी। बस निकलने दो, सारे के सारे लॉकडाउन कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन लगा तो बाइक लेके कोई फायदा नहीं है। अगर थर्ड वेव का सारे इतना जोर से बोल रहे हैं तो उसका मतलब कुछ तो है। अब कुछ तो है तो पैसा थोड़ा सेव कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कैसे क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अब मैंने पहले भी बोल रखा है, अभी भी फिर से बोल देता हूँ, मैं बाइक दिवाली तक ले लूँगा। मेरा ऐसा सीन है, थोड़े घर भी देखना पड़ता है मेरे को। मतलब घर पे सारे अच्छा कमा रहे हैं और बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं अपनी साइड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नहीं छोड़ सकता। तो आ जाएगी बाइक, डोंट वरी। और अभी कहीं पे भी मेरे को साफ तो मिल ही नहीं रही, ZX10R साफ बाइक कहीं पे मिल ही नहीं रही। और हाँ, मैंने मतलब 80% ऐसा कर लिया कि भाई साहब लेनी तो ZX10R लेनी है, बाकी सारी बाइकें मेरी थोड़ी समझ के बाहर है। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर नेकेड पे जाने का फाइनली मन हुआ तो Z1000 या फिर नई Z900 सी क्या होता है, लेकिन ZX10R 80% डन है, बाकी देखते हैं वक्त का लेके जाता है। नेक्स्ट ट्रिप कोशिश करेंगे अपन अब वाइट डेजर्ट के लिए, क्योंकि एक बार भी हम वाइट डेजर्ट एक्सप्लोर करके नहीं आए हैं। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की बात ऐसी अक्टूबर में डन है, अक्टूबर में आएंगे। अब मेरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि राघव राइड्स करनी है तुझे तो ADV बेचेगा, बट यहाँ पर डिसीजन मैंने लिया है मैं ADV नहीं बेचूँगा। उसको जो है हम रेंटिंग वाले सीन पर डालेंगे कि आप में से कोई भी जो है उसको रेंट कर सकता है, विद ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके पीछे। तो देखते हैं, प्लान बता दिया ये वाला तो बिजनेस का, तो चिल्ला के सबको स्कीम मत बता देना, पहले बता रहा हूँ। हमें YouTube पे देने सही लगे तो हमने दे दिए, बाकी जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है वो हम देंगे Instagram पे। फॉलो मी ऑन Instagram, कितनी बार बोल, शर्म नहीं आ रही? न्यू ID बना लो यार, Instagram नहीं चलाते तो बस भाई को फॉलो करने के लिए बना लो यार, भाई नौ है तू, भाई नौ है मेरा, है ना? तो जल्दी फॉलो करो जाके, और राइड की वीडियोज जल्दी आएंगी। आई होप कब आएगी पता नहीं, लेकिन आ जाएगी। तो पीस आउट।